चैनल। ओके सो अभी सुबह के पता नहीं कितने बज रहे हैं और मैं पी रही हूँ अपनी ब्लू टी। यही ओम धातु से मंगवाई थी, अभी नई नई स्टार्ट की है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ पहले ही कि ओम धातु से मंगवाई है, बिकॉज मुझसे किसी ने बोला था रेसिपी भी दिखा दो, तो रेसिपी नहीं है। ओम धातु एक ब्रांड है जो मुक्ति गौतम और आदित्य गौतम का है, सो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दूंगी इसका। एंड यस, अभी देखते हैं ये कैसी बनी है। वैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये ना बहुत रिफ्रेशिंग सा है, कुछ कड़वा वड़वा नहीं लगता, बट ठीक है, अच्छा है, रिफ्रेशिंग सा लगता है। ओके गाइस, सो ये रही फिलिंग। इसमें मैंने डाला है पनीर, कैरेट और अनियन, और फिर बेसिक मसाले नमक मिर्च और धनिया पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ओके जी, इट इज़ करंटली 12:30 और खाने में मैंने बनाया है पराठा। उसमें मैंने पनीर, कैरेट और अनियन की फिलिंग करी थी। सो पहले मैं पनीर सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कैरेट भी बढ़िया है तो वो भी डाल ही देते हैं, जितनी सब्जियां हो उतनी अच्छी बात है। तो मैंने और जिंजर और मिर्ची भी डाली थी बीच में, तो सबको मम्मी पापा को खिला दिया पराठा। अब अपना खाने वाली हूँ, एक पराठा बनाया है देसी घी के साथ, अभी दिखा तो दिया ही होगा आपको, और टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। नमक कम है क्या? हल्का, ओहो हल्का नमक कम लग रहा है, बट मम्मी पापा ने मक्खन के साथ खाया तो उन्हें शायद ठीक लगा होगा। और एक और बात क्या बतानी थी कि मैं दही और अचार नहीं ले सकती, बिकॉज मुझे मना किया नी के डॉक्टर ने, मतलब जो मेरे नी वाले डॉक्टर है उन्होंने मुझे मना करा है, तो नहीं तो इसके साथ दही और अचार इतना ही हम लगता। पर ठीक है, बारिश के मौसम में मस्त गर्म गर्म पराठे खा रहे हैं दोस्तों। एंड वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए ये नहीं होता कि आप घर का खाना छोड़ दो, आप पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो कुछ भी बुरा नहीं होता, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो उपमा हो, चाहे वो बेसन चीला हो, कुछ भी हो, जो भी खाना है, इवन राइस, वाइट राइस भी लिमिट में खाओगे, पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे तो आपकी बॉडी को कुछ भी हार्म नहीं करेगा। ओके गाइस, सो अभी मैं लेने वाली हूँ मेरा मिड स्नैक, और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ क्योंकि सर बिल्कुल नहाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ठंडक ठंडक सी हो गई ना बारिश की वजह से, तो इसी वजह से अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। एंड अभी मिड स्नैक के लिए मैं खाने वाली हूँ स्वीट कॉर्न। तो अभी थोड़े दिन पहले जब मैं सब्जियाँ लाई थी तब मैंने ना स्वीट कॉर्न भी ले लिया था भैया से, एंड अभी घर पर मैंने उसको 3 सीटी दे दी, 2-3 सीटी में वो बॉयल हो गया अच्छे से, तो अब मैं वही खाने वाली हूँ। रुको मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ओके सो ये रहा हमारा स्वीट कॉर्न, इसमें निकाल लेती हूँ। तो अभी मम्मी और मैं ये खाने वाले हैं स्वीट कॉर्न। अभी मैं इसके ऊपर चाट मसाला और नींबू भी लगाने वाली हूँ, तो प्रॉपर छल्ली बन जानी है ये वाली। बट पता है मेरे को ना स्वीट कॉर्न से ज़्यादा है ना जो प्रॉपर वो पंजाब दी रेत वाली छल्ली होती है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। बचपन में तो इतनी मिलती थी, बट आजकल ना ये जो पंजाब वाली छल्ली होती है ना, जो रेत वाली छल्ली, वो लोग भी स्वीट कॉर्न देने लग गए, तो इसलिए मुझे तो इससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। वैसे उनके पास पुरानी वो छोटी वाली छल्ली भी होती है, सो आई प्रेफर दैट। बट मुझे सब्जी वाले भैया के पास यही मिला तो मैं यही ले आई, तो अभी यही खाते हैं। मस्त नींबू मैंने काट लिया है, ये रहा नींबू, लेमन येलो डॉटी फैलो। तो अभी हम नींबू और चाट मसाला भी निकाल लेती हूँ, ये रहा चंकी चाट मसाला। आई गेस मैंने चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दिया शायद, मुझे नहीं पता। और ये रहा लेमन, ये रहा हमारा स्वीट कॉर्न। अब अंदर चलते हैं और मम्मी के साथ खाते हैं स्वीट कॉर्न। और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, सो डिनर के लिए मैं बना रही हूँ मूंग दाल चीला। तो ये मूंग दाल मैंने सुबह भिगो के रख दी थी, एंड अभी इसमें मैंने मिर्ची और अदरक डाल दिया, अभी इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो मैं अपने जार में डाल लेती हूँ इसे। काम करते करते मैं गंद ना मचाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। और ज़ारा बेबी भी हमारे साथ हेल्प करा रहा है। अभी इसमें डालूंगी नमक, मिर्ची, और मेरे पास ना ये सुबह वाली पनीर की फिलिंग पड़ी हुई है तो मैं यही यूज करने वाली हूँ चीले की फिलिंग के लिए भी। ये गया देसी घी। पहला चीला और वो टूटे ना, ऐसा हो सकता है? नहीं दोस्तों। तो पहला चीला है तो इसलिए थोड़ा सा ये टूट गया है, बट कोई नहीं, आई विल मैनेज। ओके, एक साइड से मैंने इसे पका लिया है, एज यू कैन सी तोड़ दिया है एक्चुअली पकाने से ज्यादा। अभी इसके ऊपर मैं पनीर की फिलिंग करूंगी, एंड देन इसको थोड़ा सा रैप करके दूसरी साइड से भी पकने दूंगी।
है मुझसे ना भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, इतनी ज्यादा आज भूख लग रही है ना, तो मैं टेस्ट करके आपको अभी बता देती हूँ। तब तक मेरा दूसरा चीला भी वहाँ पे गैस पे पक रहा है तो एक बाइट खा के देखते हैं कैसा बना है। इसके साथ अगर पुदीने की चटनी होना तो बहुत ही हम लगेगा, अभी है नहीं, बट आप पुदीने की चटनी के साथ खा कर देखना, बहुत टेस्टी है। प्लस इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है, दाल प्लस पनीर, ओ माई गॉड। और बहुत लाइट है, मतलब ऐसा हैवी नहीं लग रहा, बनाया भी मैंने बहुत पतला पतला ही है तो लाइट बना है और बहुत यम लग रहा है। अब बस फटाफट मेरा दूसरा चीला भी बन जाए, मस्त डिनर हो जाएगा। दूसरा चीला बन गया मस्त, अब हम खाएंगे। बहुत गर्म है। टू एंड द व्लॉग एंड यू कैन क्लियरली सी कि बारिश के मौसम ने और बारिश के ठंडे ठंडे पानी ने जो टैंकी में हो जाता है, टैंक में हो जाता है, उसने मेरे से मेरा नहाना कल के लिए छीन लिया। मैं कल नहीं नहाई क्लियरली, मतलब सेम टॉपिक घूम रही है, आई एम बीइंग सो ड्रामेटिक अबाउट इट। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं व्लॉग एंड करने आई हूँ, कल रात को मैंने किया नहीं था, अभी नया व्लॉग स्टार्ट करने लगी तो याद आया कि कल नहीं किया एंड व्लॉग, कल व्लॉग को एंड नहीं करा है, शायद मैं नींद में हूँ दोस्तों। तो अभी अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो आपका दिन कैसा गया। एंड मैंने रात को रेड टी पी थी ओम धातु से, जो मैंने अभी मंगवाई है रिसेंटली। तो मैं आजकल लाइक सुबह ब्लू टी पी लेती हूँ, रात को रेड टी पी लेती हूँ, अभी मैंने दो तीन दिन से करना शुरू करा है। तो और पीछे जाना कुछ कर रही है, तो चलो ठीक है, अब मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि कल भी तो मिलना है आप लोगों से। तो जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे मिस करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू, और बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।